सी, सबसे पहले जो बच्चा है, ठीक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की जो बात कर रहे हो हर्षिता, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी डीलिंग, ठीक, बट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वो 2 मिनट का काम है, वो मैं किसी दिन कर दूंगा आपके साथ, ठीक। आज हम शुरू कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? अगर आप किससे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछते हो तो ज्यादातर लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ऐसे दे देते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये गलत डेफिनेशन है बेटा। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटे ऐसे कंपाउंड, ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक, आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। इनको आइसोमर्स कहा जाता है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज सेड टू बी फिनोमिनन इज सेड टू बी आइसोमेरिज्म। ठीक, आइसो मतलब सेम, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उन मॉलिक्यूल्स को आइसोमर बोलते हैं और उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म कितनी तरह का होता है भाई साहब? आइसोमेरिज्म जो है वो कितनी तरह का होगा? देखो बेटा, सबसे पहला आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म यानी जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं किसी भी चीज की फॉर्मेशन, ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं ऐसे में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर देयर। ठीक है बच्चे, यानी इसमें क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज से मिलके कंपाउंड बना वही डिफरेंट हो गया, तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी 2 टांगे हैं, मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, मेरे सामने एक इंसान बैठा है, उसकी भी 2 टांगे 2 हाथ है, पर उसका हाथ जो है वो यहां से ना निकल के यहां से निकल रहा है। अभी बोलो क्या उसको आप इंसान बोलोगे? पर उसका फॉर्मूला तो वही है ना, 2 टांगे 2 हाथ, ठीक, मतलब सारा कुछ वैसा ही है, सिर्फ क्या है कि क्योंकि उसके हाथ यहां से नहीं निकल रहे, पेट से निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इंसान नहीं हो सकता है, इंसान जैसा है पर इंसान नहीं हो सकता है, तो वो मेरा आइसोमर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? और वो कैसा हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुकी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर देयर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल को बेटा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, ठीक। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है, आगे 5 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जाता है जो हमें पढ़ना है, ठीक।
पांच तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारे पास होता है. नंबर वन जिसको हम बोलते हैं चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म. बेटा दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमरिज्म या पोजिशनल आइसोमरिज्म. तीसरा होता है बेटे फंक्शनल आइसोमरिज्म. चौथा होता है बेटा मेटामेरिज्म. पांचवा होता है बेटे जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. हालांकि कई लोग एक छठा आइसोमरिज्म भी बता देते हैं इसमें, रिंग चेन आइसोमरिज्म. आई शुड मेक अमेंड इन दैट. रिंग चेन आइसोमरिज्म इज नॉट अ सेपरेट आइसोमरिज्म, इट इज अ सॉर्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म. रिंग चेन आइसोमरिज्म इज एक्चुअली अ फंक्शनल आइसोमरिज्म, बट लोग इसको अलग से भी लिखते हैं, बुक्स में अलग से भी लिखा रहता है. तो अगर रिंग चेन अलग से आए तो घबराने का नहीं, अपन बीच में ले लेंगे इसको. ठीक. अब रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म के अलावा, दूसरी तरह का आइसोमरिज्म होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म. अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है बेटा? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट. क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट. ठीक है. जैसे आज जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, मान लो कल भी उतने बच्चे क्लास में बैठे हो, पर वो बैठे इस तरह से ना हो, ठीक, वो ऊपर से लटके हुए हो, साइडों में बैठे हुए हो, इधर को बैठे हुए हो, तो क्या होगा? स्पेस में पोजीशन चेंज हो गई. है वही सब कुछ, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाना, स्पेस में स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट चेंज हो जाना, तो दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म. तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर देयर. ठीक है बच्चे, यानी स्पेस में पोजीशन का चेंज हो जाना, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्टीरियो आइसोमरिज्म को आगे दो पार्ट में आप बांट सकते हो बेटे. एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है बेटा कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म. ठीक, एक हो गया आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, दूसरा कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म. नो, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा? बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. Different arrangements obtained by rotation of carbon carbon single bond. बेटा आपको chemical bonding में पढ़ाया गया था sigma bond is free to rotate. तो फिर सिग्मा बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो उसके साथ लगे हुए एटम भी रोटेट करेंगे कि नहीं, उससे डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगी. वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशंस. सर आपके सामने खड़े हैं और अपना हाथ लगातार ही हिला रहे हैं. इस रोटेशन की वजह से हर सेकेंड हर मिनट पर एक नई अरेंजमेंट बन रही है मेरी कि नहीं? जब मेरा हाथ यूं था एक अलग अरेंजमेंट थी, जब मेरा हाथ यूं था एक अलग अरेंजमेंट थी, जब यूं था एक अलग अरेंजमेंट थी, ऐसे जब यूं चला गया एक अलग अरेंजमेंट, यूं अलग अरेंजमेंट, है ना भाई? इसी तरह से कार्बन कार्बन की जब रोटेशन होगी तो उसके जुड़े हुए ग्रुप्स भी अलग अलग जगह पे अरेंज होंगे. और ये डिफरेंट अरेंजमेंट जो ऑब्टेन हुई ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज टू बी कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म. एंड बिकॉज इट इज ड्यू टू रोटेशन देयरफॉर समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटामेरिज्म. रोटामेरिज्म
ठीक है जी, कंफर्मेशन आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स बिकॉज ऑफ नो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई अरेंजमेंट मतलब रोटेशन नहीं हो रही है, पर एक मॉलिक्यूल साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, और दूसरे में दोनों ही मॉलिक्यूल दोनों ही पार्ट साउथ वेस्ट को फेस कर रहे हैं, तो स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात समझे। जैसे ये जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, मान लो ये कंधे जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहे, तो अगर मैंने हाथ यूं रखे एक अलग अरेंजमेंट है, हाथ यूं रखे एक अलग अरेंजमेंट है कि नहीं है ना बेटा? अब ये रोटेशन की वजह से तो नहीं हो सकता, अपनी जगह पर रोटेशन नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स है जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, समझ में आई? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाना, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या बोलिए फ्रोजन रोटेशन इज अ बेटर वर्ड, फ्रोजन रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन फ्रोजन हो जाए, फ्रोजन मतलब रोटेट नहीं हो पा रहा है, और एक जो अरेंजमेंट है वो दूसरे में चेंज नहीं हो रही और अलग अलग अरेंजमेंट है, तो वो दो आइसोमर्स हैं, सो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म के आगे दो पार्ट होंगे बेटे, एक जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरे होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है बेटा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल के आगे केसेस होते हैं, ज्योमेट्रिकल में होता है सिस ट्रांसफॉर्म्स, ई जेड फॉर्म्स, सिन एंटी फॉर्म्स। अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूंगा, ठीक, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आगे जो हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसमें बेटा तीन पार्ट आगे पढ़ेंगे अपन लोग। पहली पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स, सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स। दूसरा पार्ट बेटा हमें पढ़ना होगा ई एंड जेड फॉर्म्स, और तीसरा पार्ट बेटे हमें पढ़ना होगा सिन एंड एंटी फॉर्म्स, सिन एंड एंटी फॉर्म्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया, और वहीं पर बेटे हमारे पास एक आता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होता है, ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, जब मॉलिक्यूल्स की लाइट की तरफ प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए, जब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट टुवर्ड्स लाइट, तो वो आइसोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, ये प्लस टू का पार्ट है आपका, तो इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, प्लस टू में ही पढ़ाऊंगा इसको। इसमें जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे डी एंड एल फॉर्म्स, कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म, जिनको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। वहीं पर दूसरा पार्ट जो हमारे पास होगा उसको बोलते हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशंस, आर एंड एस फॉर्म्स। आर एंड एस फॉर्म्स को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस कहा जाता है। और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म, ठीक। एक पार्ट इन दोनों का मिला के इकट्ठा होता है जिसको थ्रियो अरिथ्रो बोला जाता है, थ्रियो अरिथ्रो। इसमें ज्योमेट्रिकल का पार्ट भी होता है और इसमें ऑप्टिकल का पार्ट भी होता है थ्रियो अरिथ्रो में, तो इट इज अ कॉमन सॉर्ट ऑफ, जिसमें ज्योमेट्रिकल भी देखा जाएगा, जिसमें ऑप्टिकल भी देखा जाएगा, दोनों को मिला के देखा जाएगा, तो थ्री ओरिथ्रो फॉर्म होती है।
ये पार्ट जो है ये सारा हम प्लस टू में पढ़ने वाले हैं, ये प्लस वन का कोई पार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक। तो बाकी हम प्लस वन में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो बोलो बेटा सारा डिफरेंशिएशन समझ में आया, ठीक। जब आप इसको ब्रॉड लाइन में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आना होगा, आना शुरू हो जाएगा कि कैसे होता है, कौन सा आइसोमरिज्म कहां होता है, ठीक। तो एक बात जरूर बता देता हूं, अगर हमें स्टीरियो और कंस्टिट्यूशनल इसमें फर्क देखना होता है, हमें यह पता चले किसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म है किसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सिंपल बात क्या करना, आयुपेक नॉमेनक्लेचर कर देना कंपाउंड्स का। जो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म होते हैं, ठीक, दे ऑल हैव डिफरेंट आयुपेक नेम्स। ये आइसोमर्स के डिफरेंट आयुपेक नेम्स होते हैं, इनके आयुपेक नेम्स डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड है जिनके आयुपेक नेम डिफरेंट है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाए, जिस चीज से मिलकर कोई कंपाउंड बना वही चेंज हो गया, तो बेटा उसका नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों आयुपेक नॉमेनक्लेचर चेंज होगा कि नहीं। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, इसमें सारे स्टीरियो आइसोमर्स का सेम आयुपेक नंबर होता है, आयुपेक नेम सेम होता है, सेम आयुपेक नेम्स, इनके नेम्स सेम होंगे। क्यों, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिली है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, जो नंबर था वही रह गया, जिस नंबर पे कोई चीज लगी थी वहीं पे रह गया, तो स्ट्रक्चर इज सेम, सिर्फ उसकी स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो रही है, उससे आयुपेक नॉमेनक्लेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयुपेक नॉमेनक्लेचर स्पेस की पोजीशंस थोड़ी देखता है यार, आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या देखता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास। समझ में आई बात, तो ये इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमारे को स्टीरियो आइसोमरिज्म देखना है उसमें आयुपेक नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा सब स्टीरियो आइसोमर्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन में आयुपेक नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पहली बात क्लियर हो गई। तो चलिए आज पहला आइसोमरिज्म हम शुरू कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहला आइसोमरिज्म हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो प्यारे बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अगर हम डिस्कशन करें, तो मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर, है ना। यानी इसमें आया, इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर देयर। ठीक जी। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले इसका पहला पार्ट पकड़ेंगे, चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म। तो इसका जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था वो था चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म। देखो बच्चे, जब चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम बट डिफरेंस इन द मेन चेन और साइड चेन इज देयर। क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंस इन मेन चेन और साइड चेन इज देयर। ऐसे कंपाउंड्स को हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं और फिनोमिना को चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2CH2CH3,
बेटा दिस इज अ नॉर्मल चेन इजंट इट, पांच कार्बन की चेन है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसको क्या बोलता है पेंटेन, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अभी अपन क्या करते हैं, इसके यहां से एक कार्बन हटाते हैं और सेकंड कार्बन पे उसकी ब्रांच बना देते हैं, तो हमारे पास ये बन गया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। नाउ इसका आयुपेक नॉमनक्लेचर अगर पढ़ोगे तो आयुपेक नॉमनक्लेचर तो उसका बोलता है टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूटेन, इजंट इट, क्यों जी टू मिथाइल ब्यूटेन होगा कि नहीं आयुपेक नॉमनक्लेचर इसका। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में ना कॉमन नेम में इसको आइसो पेंटेन भी कह लेते हैं, इसको आइसो पेंटेन भी हम कह लेते हैं बेटा, ठीक। ये जो ग्रुप होता है ना पुत्र, कौन से वाला, ये वाला ग्रुप, ये वाला, ठीक, जिसमें सी एच थ्री के ऊपर भी सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री, ये आइसो ग्रुप कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज आइसो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप होता है। अगर कॉमन नेम देना हो किसी में ऐसा ग्रुप हो उसके आगे कार्बन गिन लो, ठीक, जैसे यहां पे टोटल पांच कार्बन थे तो आइसो ग्रुप था, मैंने बोल दिया आइसो पेंटेन, बट आयुपेक नॉमनक्लेचर इसका अलग है बेटा, गॉट इट और नॉट। अब इसी तरह से तीसरा देखते हैं बेटे, इसी में मान लो मेरे पास सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और यहां पे भी सी एच थ्री है, ठीक, अगेन देर आर फाइव कार्बन। अब इसका अगर आयुपेक नॉमनक्लेचर दोगे तो क्या दोगे भाई, 2.2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपेन, 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इज दिस द नेम ऑफ दिस। पर बेटे इसको हम प्यार से नियोपेंटेन भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। बेटे नियो जो होता है, नियो ये शब्द यूज होता है जब हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन हो, कौन सा क्वार्टरनरी, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टरनरी कार्बन बेटे, जिसमें आपके पास कार्बन के साथ चार कार्बन जुड़े हुए हैं। क्या इस कार्बन में चार कार्बन जुड़े हैं कि नहीं, जुड़े हैं ना भाई, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये क्वार्टरनरी कार्बन है, और क्वार्टरनरी कार्बन वाला ग्रुप जो होता है नियो ग्रुप कहलाता है। तो टोटल मिला के पांच कार्बन थे, नियो हमने इसके ग्रुप के लिए बोल दिया, तो क्या बोल दिया नियो पेंटेन, गॉट इट और नॉट। अब इन तीनों का जरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो देखा अलग अलग है, पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सभी में, सभी के सभी में हमारे पास कार्बन कितने हैं बेटा, सभी के सभी में कार्बन हमारे पास पांच है कि नहीं। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, तीन, दो पांच, दो पांच, दो सात, नौ और तीन बारह। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली सेम है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो ये ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यू आर सीइंग इज डिफरेंट, ठीक है भाई, और इनके आयुपेक नॉमनक्लेचर भी क्या है, डिफरेंट है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसमें चेन में फर्क है बेटा, है कि नहीं, इसकी चेन पांच कार्बन की, इसकी चेन चार कार्बन की और इसकी चेन तीन कार्बन की मेन चेन, क्लियर। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म का। मैंने यहां पे बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन चेन और अ साइड चेन, कभी कभी साइड चेन में भी डिफरेंट होता है, मतलब मान लो हमारे पास एक कंपाउंड हमने ले लिया, ठीक जी, वो ये वाला कंपाउंड ले लिया, ये क्या है सर, डब्बा है, डब्बा नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है, क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो यानी साइकिल है, चार कार्बन का है तो साइक्लोब्यूटेन है भाई। अब इस साइक्लोब्यूटेन के साथ मैं यूं लगा देता हूं तो एक मिथाइल ग्रुप भी लग गया, ठीक है, तो इसका नाम वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बोल सकते हैं, वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बोल सकते हैं,
हम अगर ऐसे ले लेते, ये क्या होता? ये पेंटेन होता, साइक्लोपेंटेन, है ना बेटा। अब यहां पे इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, अब इसका मतलब क्या है? ये दो कार्बन लगे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़े हो ना बेटा, तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है ना, तो इथाइल ग्रुप हुआ ना। जैसे इसको मैंने बोला साइक्लो, इसका क्या नाम दिया भाई? साइक्लो पेंटेन, और इसका क्या नाम दिया? वन मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन दिया ना भाई, और इसका नाम दिया वन इथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है जी। और इसी को बेटे अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब ये दो मिथाइल ग्रुप है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको लिख सकते हैं वन कॉमा वन डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, कैसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। अब देखो बेटा, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की थी? पांच कार्बन की। इसमें मेन चेन कितने की थी? चार कार्बन की। इसमें मेन चेन कितने की थी? तीन कार्बन की थी। इन तीनों में मेन चेन डिफरेंट है, हालांकि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना तो यहां पे CH2 लगा होगा, यहां CH2 लगा होगा, यहां CH2 लगा होगा, यहां CH2 लगा होगा, और यहां पे भी CH2 लगा होगा। इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करोगे, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर C5H10 आएगा, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 आएगा। जैसे अगर इधर भी देखोगे CH2 यहां लगा है, यहां CH, यहां CH3, यहां CH2, यहां CH2, तो इसका भी देख लो C5H10, इसका भी देख लो C5H10, इसका भी देख लो C5H10, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां मेन चेन का डिफरेंस है ना बेटा। पर इन दोनों में देखो, यहां साइड चेन दो कार्बन की है और यहां साइड चेन एक एक कार्बन की है, बेटा साइड चेन में फर्क आ गया। तो ये भी आपस में क्या होंगे? चेन और स्केलेटल आइसोमर्स। ये भी आपस में क्या होंगे? चेन और स्केलेटल आइसोमर्स। तो बेटा चेन और स्केलेटल आइसोमर्स क्या होते हैं, समझ में आया? या तो पहले, तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है बेटा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तब थोड़ी आइसोमर है। आइसोमर की पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मस्ट बी सेम। तो सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हुए, बट अगर उनकी मेन चेन में कोई डिफरेंस आ गया या साइड चेन में कोई डिफरेंस आ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर? और क्या ये बता सकते हो कौन चेन आइसोमर है कौन नहीं है? जब भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन इनमें से कौन चेन आइसोमर्स हैं, पहले तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है उससे पहले फॉर्मूला देख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फिर बेटा उसकी चेन देख लीजिएगा। अगर मेन चेन सेम है तो साइड चेन अलग होनी चाहिए, साइड चेन सेम है तो मेन चेन अलग होनी चाहिए, तो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ओके डन। अगला पॉइंट देखते बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आएगा सेकंड वन, बेटा सेकंड वन हमारे पास रहेगा जिसको हमने बोला था पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म, देखो बेटा पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, मेन चेन का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, साइड चेन का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, सिर्फ पोजीशन ऑफ अ ग्रुप और एन एटम मे बी डिफरेंट। समझ में आई? क्या कहा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम बट
डिफरेंस इन पोजीशन पोजीशन ऑफ अ ग्रुप और एन एटम और इवन और अ मल्टीपल बॉन्ड और अ मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन का डिफरेंस है. मेन चेन सेम होनी चाहिए, मेन चेन सेम, साइड चेन भी सेम. फर्क किसमें, फर्क किसमें, पोजीशन में. जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, शायद कभी समझ में आ जाए, आज वही वाला दिन हो सकता है. CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है जी, इसका क्या नाम देंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसको 3-chloropropane बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना यार, हमारी नंबरिंग यहां से शुरू होगी ना दोस्त. तो हमारे पास 1, 2 और 3, तो क्या नाम दोगे इसको? 1-chloropropane, ठीक है जी, 1-chloropropane. और वहीं पर अगला मॉलिक्यूल मैं ऐसे बना दिया, इसको क्या बोलोगे यार, 1, 2 और 3 क्या बोलोगे? 2-chloropropane, 2-chloropropane. बेटा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C कितने हैं? 3. H कितने हैं? 3, 3, 6 और 1, 7, 7. और Cl सिमिलर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? दोनों की मेन चेन 3 कार्बन की है कि नहीं? और उसका स्ट्रक्चर भी सेम है कि नहीं? सिर्फ किसकी फर्क पड़ रहा है? जो आपका ये वाला ग्रुप है उसकी पोजीशन का फर्क पड़ रहा है. तो ये आपके क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स हो गए. आगे बात समझ में? अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता था, यहां पे कोई आपका डबल बॉन्ड एटसेट्रा भी हो सकता था. जैसे मैं एक एग्जांपल और शेयर करता हूं तुम्हारे साथ, एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन चेन एंड पोजिशनल आइसोमिज्म. प्लीज सी दिस, आंखें खुली रखिएगा. मान लीजिए मेरे पास है What is this? This will be called as 1-pentene या pentoneine, है ना भाई? This can be called as 1-pentene or pentoneine. आप इसको नाम दे सकते हैं pentoneine, pentoneine. Clear जी? अब एक और चीज बनाई अपन ने, CH3CH double bond CH. CH2 CH3. Now what this will be? This is pent-2-ene. ठीक, एक और चीज बनाना चाह रहा हूं, CH3 CH CH3 CH double bond CH2. ठीक, यहां पे हमारे पास हुआ 3-methyl-butene. सी, इन तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर देखें, तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर हम ध्यान दें तो क्या आएगा बेटा? सी कितने लगे हैं यहां पर? 5. एच कितने लगे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एच 10 है, यहां पे भी ऐसा ही है. और क्या यहां पे भी ऐसा ही है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. अब बेटे यहां पे मेन चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की. यहां मेन चेन कितने कार्बन की है?
पांच कार्बन की, यहां मेन चेन कितने की है, चार कार्बन की, मेन चेन का डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, चेन आइसोमर। यानी ये और ये आपस में क्या है, ये पोजिशनल नहीं है, ये कैसे है, चेन आइसोमर्स। तो इसमें क्योंकि मेन चेन का स्ट्रक्चर ही डिफर हो गया तो ये पोजिशनल नहीं है, ये चेन आइसोमर्स है। पर बेटे इसमें मेन चेन सेम है कि नहीं, सिर्फ किसका फर्क पड़ा, पोजीशन का। सो दे बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, ये पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, होते हैं। क्लियर? अब एक बात समझ लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मॉलिक्यूल चेन आइसोमर भी हो और पोजिशन आइसोमर भी हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। Either a molecules, either the group of molecules are chain isomers or they are positional isomers. ये इकट्ठे exist नहीं करता है भाई। आप बोलो सर यहां पे position भी change हो रही है और chain भी change हो रही है, क्या है? दोनों है? नहीं बेटा, अगर वो chain isomer है तो फिर हम position की बात नहीं करेंगे, position की बात तब करेंगे जब chain same रहती है। समझ में आई? इसीलिए बेटा इसको मैंने इसका positional isomer नहीं माना है, क्या माना है इसका, चेन आइसोमर, क्योंकि इसकी चेन ही डिफरेंट थी। अगर चेन या साइड चेन दोनों में से कुछ भी डिफरेंट हो जाए तो फिर हम उसको क्या करते हैं, चेन आइसोमर मानते हैं, उसको पोजिशनल आइसोमर नहीं मानते हैं। ठीक? एक छोटा एग्जांपल पूछूं आपसे, है भाई, मान लो मेरे पास एक ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है जी। अब ये आपस में मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझ स्नेहा को आ चुका है, इसलिए स्नेहा मेरे को जवाब देंगी कि इन तीनों में से कौन कौन चेन और कौन कौन पोजिशनल आइसोमर है। किसके साथ, मेरे साथ, तेरे साथ? नहीं सर, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? चेन है। देखो भाई बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मेन चेन सेम है कि नहीं, मेन चेन सेम है ना, तीन कार्बन की चेन, तीन कार्बन की चेन, तीन कार्बन की चेन, यहाँ साइड चेन दो कार्बन की है जबकि यहाँ साइड चेन एक एक कार्बन की है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। सिमिलरली ये और ये भी आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी मेन चेन भले ही सेम है इनकी साइड चेन में डिफरेंस है। यहां साइड चेन दो कार्बन की है और यहां साइड चेन एक एक कार्बन की है, सो देयर इज अ डिफरेंस, इजंट इट। और रही बात, अगर मैं बात करूं इसकी, इन दो की, इसमें हमारे पास साइड चेन भी एक एक कार्बन की है, यहां पे भी साइड चेन एक एक कार्बन की है, मेन चेन भी तीन तीन कार्बन की है, तो मेन चेन साइड चेन सेम है पर फर्क किसका पड़ रहा है, यहां वन वन पे मिथाइल है और यहां वन टू पे मिथाइल है, तो ये दोनों आपस में क्या लगे, पोजिशनल आइसोमर्स। तो फर्क समझ में आता है पोजिशनल और चेन आइसोमर्स में। चेन आइसोमर में क्या होता है कि आपकी मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंस होता है, जैसे यहां पे इन दोनों में मेन चेन का फर्क था तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इन दोनों में मेन चेन का, तो चेन आइसोमर बोल दिया। यहां पे मेन चेन सेम थी लेकिन यहां पे साइड चेन का फर्क था तो भी मैंने इसको चेन आइसोमर बोल दिया। पर यहां पे मेन चेन और साइड चेन क्या आ रही थी, सेम, मेन चेन भी तीन कार्बन की और साइड चेन भी एक एक कार्बन की, ठीक, यहां पे भी मेन चेन तीन कार्बन की, साइड चेन एक एक कार्बन की, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। बोलो इज इट क्लियर, फर्क समझ में आ गया अच्छे से? तो एक मॉलिक्यूल या तो चेन आइसोमर हो सकता है और या फिर हमारे पास पोजिशनल आइसोमर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मॉलिक्यूल चेन आइसोमर भी हो
और पोजिशनल आइसोमर भी हो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। नहीं पुत्र, अगर मान लो हमारे पास ऐसा दे देते, एक तुम्हारा क्वेश्चन जो है मैं समझ गया, मान लो ऐसा दे देते बेटा, कैसा कि हमारे पास CH3 CH2 CH यहां सॉरी CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसी की बात कर रहे हो। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें आपके पास मेन चेन कितने की है, 4 कार्बन की, साइड चेन 1 कार्बन की, तो इनमें मेन चेन साइड चेन सेम है बट मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये आपस में क्या आए बेटा, पोजिशनल आइसोमर आए। बात समझ में आ गई अभी? यानी अगर पहले तो देखो ना भाई, चेन मेन चेन और साइड चेन सेम है तब पोजिशनल की तरफ जाएंगे, अगर मेन चेन और साइड चेन में ही फर्क है तो वो चेन आइसोमर्स होते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं भाइयों। देखो जी अगली बात हमारे पास आती तीसरी वाली, और तीसरी वाली हमारे पास थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखो प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो बेटे स्कूल में तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड। क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड, सो द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। ऐसा मैंने बोला स्कूल में बताया जाता है ना बेटा। तो जैसे मान लो आपको बोला कि एक है CH3 CH2OH, ठीक, ये क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल, प्यार से बोलो इथेनॉल, है ना भाई, इथेन वनोल, है ना भाई। और ऐसे ही एक ये है, दिस इज ईथर, है ना जी, ये ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इसको बोला इथानोल, इथानोल, और ये है डाई मिथाइल ईथर। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, और यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है O, ईथर, यहां फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहां पे ईथर है, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है भाई, C कितने हैं 2, H कितने हैं 6, और O कितना है 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इसको हम फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। मैं आज आपको ये प्रूव कर दूंगा, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है बेटा, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। मैं प्रूव कर दूंगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बावजूद भी दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एक्चुअली ये ना लोगों ने गलत ले लिया, फंक्शनल आइसोमरिज्म को ऐसा बोल दिया फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, नहीं नहीं, फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब था उनके फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप कभी कभी सेम भी होता है बट कई बार क्या होता है कि उसका आपके पास प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं, तो वो भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे लेट आई टेक वन एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को समझने के लिए प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देंगे, कॉपी पेन छोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा मेरे से 50 बार पूछ लेंगे, ठीक। देखो बच्चे, मान लो मेरे पास है CH3 CH2
CH2OH। तो मुझे ये बताओ कि ये मैंने एक अल्कोहल लिखा है ना भाई, इज इट अ प्राइमरी अल्कोहल और अ सेकेंडरी अल्कोहल और अ टर्शियरी अल्कोहल? यस, भाविका ने बोला, भाविका भूमिका, भूमिका ने कहा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे बताया बिटिया ने कि ये प्राइमरी अल्कोहल है? जो शाबाश, कार्बन के साथ थ्री लगे होते हैं ग्रुप्स, नहीं बेटा, जिस कार्बन पे ये OH लगा है वो फर्दर एक ही कार्बन से ज्वाइंट है, तो इसको हमने क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल। गॉट इट? अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा होता CH3CH2CHOH CH3, तो अब इसको क्या बोलते हम लोग? ऑब्वियसली इसको सेकेंडरी बोलते, क्योंकि जिस पे OH लगा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको क्या बोला बेटा? सेकेंडरी। और बिटिया मोयरा, अगर हमारे पास इस तरह का अल्कोहल होता, ठीक, तो फटाफट बता दे प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शरी। यस, दिस विल बी अ टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है, ठीक। आप ये नहीं देखते हो कि भाई ये एक कार्बन एक से जुड़ा, आगे आगे वाले कार्बन नहीं गिनने का, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन गिनने का, कितने जुड़े हैं। क्लियर? ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर होता है, ठीक, पता चल गया। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कैसे देखते हैं? जिस कार्बन का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है अगर वो आगे इन टर्म्स एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी दो से जुड़ा, सेकेंडरी तीन से जुड़ा है, टर्शियरी। अब मेरे पास एक ये है, दिस इज एन अमीन। ये क्या है? अमीन। NH2 ग्रुप कौन सा होता है? अमीन। इज इट अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन? दिस इज अ प्राइमरी अमीन, डेफिनेटली दिस इज अ प्राइमरी अमीन, है ना बेटा। नाउ इफ आई राइट इट लाइक दिस, CH3 CH2 CH NH2 CH3, इज इट अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन? इज इट अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन? Unfortunately, this is again a primary amine. Now, say if I write it like this, is it a primary secondary or tertiary amine? It is tertiary amine, na? Unfortunately, it is also primary amine. Sir, ye kya mazak hai? देखो बेटे, बेसिकली अमीन्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर इज नॉट सीन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, इट इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन। अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर नाइट्रोजन पे जुड़े हुए ग्रुप्स के हिसाब से देखा जाता है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है, जैसे यहां पे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी है, यहां नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी है, यहां नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी है। तो सर सेकेंडरी अमीन क्या होता है? सी, सेकेंडरी अमीन हो गया CH3 CH2 CH NH CH3। नाउ नाइट्रोजन इज ज्वाइंट विद टू कार्बन्स, हेंस दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन, हेंस दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन, इसको सेकेंडरी अमीन बोला जाता है। सो टेल मी, हाउ कैन आई राइट टर्शियरी अमीन? सो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है जी, कैसा, यहां पे CH3 और यहां CH2 CH3, या यहां पे भी CH3, नाइट्रोजन आगे कितने कार्बन से जुड़ा? तीन से। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमीन, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमीन, ठीक है बच्चे। सो अमीन्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर इज नॉट सीन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन,
अमीन्स का प्राइमरी स्केलेटल सिग्नेचर इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन. व्हाई? अब ये क्वेश्चन अपने मित्रों से पूछना है, दोस्तों से पूछना, ऐसा क्यों? क्या अमीन में प्राइमरी स्केलेटल सिग्नेचर ऐसे क्यों देखें और बाकी सब में कार्बन पे क्यों देखें? प्लीज डू आस्क. 102% आंसर आएगा तो मुझे जरूर बताना. ठीक, पता क्या आंसर आएगा? ऐसा ही होता है. टीचर से भी बोलेगे तो वो भी बोलेगा ऐसे ही होता है. अरे भाई क्यों होता है? लॉजिक इज दिस, क्यों होता है बेटा? होता है इसलिए है, ध्यान से समझना. बेसिकली जितने भी और कंपाउंड है वो एल्केन डेरिवेटिव्स हैं. एल्केन डेरिवेटिव का मतलब एल्केन का एक एच हटा के उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगाया. जैसे यहां पे एल्केन का मैंने ये वाला एच हटा के उसकी जगह OH लगाया है. ठीक, तो ये एल्केन डेरिवेटिव है. तो इसको हम एल्केन के कार्बन के हिसाब से देखेंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. जबकि अमीन्स अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं. क्या होते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के आसपास 3H. इस एच को हटा करके हम ग्रुप लगाएंगे. तो अगर हम एक एच को हटाते हैं उसकी जगह ग्रुप लगाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी ग्रुप लगाएं टर्शियरी लगाएं, अमीन विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन. अगर दो एच को रिप्लेस करेंगे तो सेकेंडरी अमीन होगा, और अगर तीनों एच को रिप्लेस करेंगे तो टर्शियरी अमीन होगा. यानी अमीन्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, वेयर एज ऑल अदर कंपाउंड्स आर एल्केन डेरिवेटिव्स. Got it or not? Yes. बात समझ में आई? Now, see, हमारे पास ये तो चलो सारे सेम थे प्राइमरी वाले. अब ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन पे थोड़ा नजर डालना. ठीक, किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एक है ये प्राइमरी अमीन, एक ये है सेकेंडरी अमीन, और एक ये है टर्शरी अमीन. बेटे सर ने कुछ साल पहले तुम्हें बताया था कि चार तरह के एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं. वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? शाबाश. ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक. नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक. फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक. एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक. ये चार तरह के एसिडिक हाइड्रोजन सर ने बताए थे. टेल मी हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर हियर. So there are two acidic hydrogens. In this, how many acidic hydrogen is there? So there is one acidic hydrogen over here. And how many in there? So there is no acidic hydrogen. So these can act as acids because they contain acidic hydrogen. No doubt there are lone pairs also, so they also can behave as bases. But they have acidic hydrogens. But do this amine can work as acid? It can only act as a base. It can never be acid. तो क्या इन तीनों की chemical property same रहेगी? इनकी chemical property तो अलग अलग हो जाएगी. इसमें दो दो acidic hydrogen होंगे, इसमें एक होगा. इसमें acidic hydrogen है ही नहीं. It can never act as acid. Though they can act as base as well as acids because they contain acidic hydrogens. But this does not contain any acidic hydrogen. So it can never act as acid. It can only act as a base. So, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हुई? फंक्शनल ग्रुप सेम था कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें? नाइट्रोजन. फंक्शनल ग्रुप इज दिस ना भाई, है ना? फंक्शनल ग्रुप इज सेम बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स आर डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर दो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स. डिड आई प्रूव माई पॉइंट? कि जो डेफिनेशन है वो अधूरी डेफिनेशन है. ठीक, वो स्कूल में ही पढ़ाने लायक. या लड्डू टीचर, लड्डू बच्चे, उनको पता कख है नहीं, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, तो पढ़ाई जा रही जी. ठीक, आपने इसकी डेफिनेशन कैसे रखनी है ध्यान में? देखो तो स्कूल में तो हम ऐसे लिखेंगे ना यार. ठीक, बट ध्यान में क्या रखना है? आपने बोलना है कि फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं. ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज
हाईली डिफरेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट आप बोल लो सॉरी कंडीशंस जैसे एसिडिक हाइड्रोजन वगैरह। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इज सेम, फॉर्मूले इज सेम बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई मेरे को बोलेगा कि आइसोमरिज्म की डेफिनेशन में हमने बोला था कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तो सभी आइसोमरिज्म में होता है। माय डियर बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है सभी जगह पर। यहां हम आइसोमरिज्म के अंदर फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम है तब भी अगर उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो क्या उसको मैं फंक्शनल आइसोमरिज्म में नहीं मानूंगा? मानूंगा ना। तो ये डेफिनेशन तो डेफिनेटली आधी अधूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तब तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है ही है ना भाई। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तब तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो फंक्शनल आइसोमर्स है ही, बट कई बार फंक्शनल ग्रुप सेम भी होता है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो भी वो फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर प्राइमरी स्कैंडियन टर्शरी अमीन्स, गॉट इट और नॉट? इवन जिसको लोग बोलते रिंग चेन आइसोमरिज्म, अलग से पढ़ाते भाई रिंग चेन आइसोमरिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिंग चेन आइसोमरिज्म? अभी यही पढ़ा रहा हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिंग चेन आइसोमरिज्म? देखो बेटा, लोग इसको अलग से पढ़ाते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म, यानी एक रिंग है और दूसरी चेन है। जैसे समझो मेरे पास है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन और दूसरा है ब्यूटीन। अब प्यारे बच्चों यहां पे CH2, 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 सो दोनों के जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? C4H8 आया कि नहीं आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? C4H8 है कि नहीं? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और नॉट? सो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में क्या आ रहा है? सेम, बट वन इज द रिंग अनदर इज द चेन। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ, लेकिन बेटे डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। जैसे डबल बॉन्ड के जो टेस्ट होते हैं, दसवीं तक इतना तो बताया होगा डबल बॉन्ड का एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कि अगर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अनसेचुरेशन का टेस्ट, तो ब्रोमीन डालते हैं तो उसका कलर खत्म हो जाता है क्योंकि ब्रोमीन एड ऑन हो जाती है। तो ये तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, बट क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? नहीं देगा। ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, कैसा है? अनसेचुरेटेड, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है पर इसमें तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। सो दिस इज सैचुरेटेड वन, ठीक। ऑब्वियसली इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या होगा? फर्क। अब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं था, फिर भी ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं? क्योंकि जब प्रॉपर्टीज में फर्क आया तो फंक्शनल तो है ही है ना भाई। तो देखो हमने एक ऐसा किया अमीन्स, प्राइमरी स्कैन टर्शियरी अमीन्स, कहा उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम बट प्रॉपर्टीज अलग अलग, और यहां फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इवन देन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये फंक्शनल आइसोमर ही कहलाएंगे ना। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, तो क्या ये मेरी डेफिनेशन करेक्ट है कि भाई इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्या ये सही करेक्ट आंसर होगा? नहीं होगा।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो रिंग चेन आइसोमरिज्म फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं होता या प्राइमरी स्कैंडी टर्शियरी मींस दे शुड नॉट बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. गॉट इट और नॉट? सो फंक्शनल आइसोमरिज्म की करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट समझ में आया कि नहीं? अब बात यह आता है कि कौन कौन फंक्शनल आइसोमर होंगे, कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं. पहला तो हमारे पास आ गया नंबर वन एल्कोहल्स एंड ईथर्स. बेटा एल्कोहल्स एंड ईथर्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, ठीक, और इनकी आपके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे. सिमिलरली हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सी एल्डिहाइड क्या हुआ? मान लो मैंने बोला CH3 CH2 CHO, दिस इज एन एल्डिहाइड, इजंट इट? CHO ग्रुप इज एल्डिहाइड. और मान लो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज अ कीटोन, इजंट इट? बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क रहेगा, ठीक. सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एल्डिहाइड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. गॉट इट? इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास हो गया CH3 CH2 COOH. और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, दिस इज एस्टर. दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है कि नहीं? दोनों में तीन कार्बन, दोनों में छह छह हाइड्रोजन, दोनों में दो दो ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम. बट यहां फंक्शन ग्रुप COOH, एसिडिक ग्रुप. क्या इसमें कोई एसिडिक ग्रुप है? तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है कि नहीं? सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. इसी तरह से अगली बात आएगी साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, ब्रैकेट में लिख देना अदर देन HCN एंड HNC. साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सी वन इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज आइसोसाइनाइड. एंड अनदर इज CH3 N, लाइक दिस, दो दिस इज आइसोसाइनाइड और कार्बाइलामीन. आइसोसाइनाइड को कार्बाइलामीन भी बोलते हैं. गॉट इट और नॉट? तो बेटे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. तो साइनाइड आइसोसाइनाइड अदर देन HCN एंड HNC. आप पूछोगे सर ये HCN HNC क्यों 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 छोड़ दिया? बताएंगे आगे, ठीक, सारा एक जगह पे थोड़ी हो जाएगा, ठीक. इसी तरह से बेटा अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट्स अदर देन HNO2 एंड HONO बेसिकली, ठीक, HONO. खैर इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि खैर ये आगे मैं बता दूंगा सेम ही होते हैं, ठीक. बट नाइट्रोनाइट्राइट्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोनाइट्राइट्स? जैसे CH3 NO2, यहां CH3 का बॉन्ड किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ, तो इसको नाइट्रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सो दिस इज नाइट्रोमीथेन. क्या है? नाइट्रोमीथेन. और वहीं पर अगर ऐसा होता CH3 ONO, मिथाइल नाइट्राइट या मीथेन नाइट्राइट,
यहां पे मिथाइल ज्वाइन टू ऑक्सीजन, मिथाइल ज्वाइन टू ऑक्सीजन. सो डेफिनेटली नाइट्रो नाइट्राइड्स ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स. समझ में आया? ऐसे हमने पढ़ा अभी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स अभी आपने पढ़ा इसके बारे में. यहां तक कि हमने एक और एग्जांपल ले लिया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स विच शो, विच कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लाइक एल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड अदर देन HCN HNC, नाइट्रो नाइट्राइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड मोर. और भी है, इतने ही पढ़ लोगे वो भी बहुत है अभी के लिए. ठीक, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आया बेटा जी? कोई मुश्किल इसमें? आज की कथा यही छोड़नी पड़ेगी. अगली बार दो बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म्स की बात करूंगा, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म. लेकिन बेटे वो चाहे हम पूर्ण विराम अभी लगा देंगे. ठीक, आपको मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा आज शाम को स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. उसके बाद बेटा मैं आपके ना फेस टेस्ट बना के भेजूंगा, फेस टेस्ट इन द सेंस ओवरऑल टेस्ट बना के भेजूंगा. हम उसी की डिस्कशन करा करेंगे रिवीजन में ना, और उसमें मैं सारा अपना डाल दूंगा ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए.